पिछले 4 महीनों से आए दिन सड़क निर्माण कंपनी द्वारा पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिए जाने से नाराज मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के परिपार्षदों ने लामबंद होकर काम को रुकवा दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, उपाध्यक्ष कृष्णा मुरारी तिवारी, सांसद प्रतिनिधि राम कुमार जैन के साथ कई पार्षदों ने नेशनल हाईवे में जाकर सड़क निर्माण के लिए गड्ढा कर रही पोकलेन मशीन का काम रुकवाया है। सभी ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पाइपलाइन का काम पूरा नहीं होने तक सड़क का काम नहीं होने देने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों के काम रोके जाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग और PHE के अधिकारी मौके पर पहुंचे और चर्चा की। इस दौरान उन्हें नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ फूटी पाइपलाइन को देखने गए और जल्द से जल्द पाइपलाइन का काम पूरा करने की बात कही। शुरू नहीं हुआ है तो हम लोगों ने सब जनप्रतिनिधि, हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने सब मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब जब तक PHE ये लाइन को शिफ्ट नहीं कर देती तब तक हम NH वालों को काम नहीं करने देंगे, और PHE अगर काम करने में असमर्थ है तो नगरी क्षेत्र का जो पाइपलाइन शिफ्टिंग का खर्चा है वो नगर पालिका को हस्तांतरित करे, हम एक महीने के अंदर वो पाइपलाइन शिफ्टिंग करके इनको दिखाएंगे। लेकिन ये 2017 से आज तक नहीं किए, जिसके कारण मनेंद्रगढ़ की आम जनता परेशान है, पार्षद परेशान है, रात दिन हम लोग का जीना दुभर हो गया। और हम कोरोना काल के पूर्व ही प्रारंभिक तैयारी के तौर पे मैं जनप्रतिनिधि विधायक अध्यक्ष महोदय जब कलेक्टर साहब आए थे प्रथम आगमन के समय पे ही वो सब मिल करके ये प्रस्ताव में मेरी उपस्थिति में मैं उनसे मिल करके PHE वालों को जल्दी से जल्दी कार्य करने के लिए कहा गया। अभी भी सारे जनप्रतिनिधि वो इनको कार्य करने के लिए जल्दी कर रहे हैं, अभी इनके ऊपर निर्भर है क्योंकि हमारे द्वारा राशि 2017 पूर्व में भेज दी गई है, अब इनके ऊपर निर्भर करता है काम कितना जल्दी काम। सड़क निर्माण तब तक रोके जाने की बात कही गई है जब तक पाइपलाइन का काम नहीं होगा, कैसे में काम पूरा होगा? क्योंकि मेरी जनता के प्रति जिम्मेदारी है, जनता के द्वारा सहयोग किया गया है कार्यक्रम पूरा करने के लिए, मैं जल्द से जल्द चाहूँगा कि कार्यक्रम जनपति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि हमारे सब एल्डर मैन पार्षद महिलाएं पुरुष सब सारे पार्षद हमारे सारे प्रभारी PIC परिषद सारे लोग आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज इसका निराकरण हो के ही रहेगा। हमने कलेक्टर साहब से भी फोन से बात की, कलेक्टर साहब भी बोले कि हमें व्यवस्था करता हूँ। आगे किस तरह के आप लोग आगे जो आप लोग अभी सुन रहे हैं कि अभी हम NH को काम नहीं करने देंगे जब तक हमारी पाइपलाइन चिट्ठी नहीं हो जाएगी PHE से, इस तरह की कार्रवाई होगी कि हम सबसे पहले तो NH वालों को पाइप यहाँ पे रोड और नाली बनाने नहीं देंगे हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जब तक हमारी पाइपलाइन शिफ्ट नहीं हो जाती। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो समस्या है इसके बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराऊंगा और यथासंभव इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान करें। आपको 3,93,00,000 रुपए दिया गया, पाइपलाइन शिफ्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है? ये 3,93,00,000 जो जिले में अन्य जल प्रदाय योजना है वो भी शामिल है, यहाँ मनेंद्रगढ़ के लिए केवल 1,09,00,000 का जो एस्टिमेट है वो मिला है। अब इस तरह का जो विरोध हो रहा है आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए ये तो जनता की मांग है और हम जनता की सेवा के लिए हैं। हाँ। और इनकी समस्या का शीघ्र निदान करेंगे। नारायण दत्त तिवारी की रिपोर्ट।